बाबा और सांड दोनों खराब होते हैं। रमता जोगी बहता पानी, दगाबाज की यही निशानी, जूता चप्पल और बेमानी, यहाँ काम बोलता है। वो राम राज्य नहीं आ रहे हैं, वो महंगाई और हर चीज के मुद्दों से पलट गए, विकास तो कर नहीं रहे हैं। जो सबके साथ न्याय होगा, सबका विकास होगा, झूठ का नाश होगा। हमारे अखिलेश यादव जी के सारे किए हुए काम है, इनकी योजनाओं से लाखों लोगों को रोजगार मिला है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज अब नहीं है। 5 इंजन की सरकार है और 25 मुख्यमंत्री हैं, सलाहकारों की उस पार्टी में कमी नहीं रह गई है। 130 किलोमीटर मैं सुबह 5 बजे निकला हूँ और 9 बजे लखनऊ आ गया। इस गाड़ी से यह व्यक्ति समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अयोध्या से निकला है और यहाँ पहुँच गया। वो असत्य बयानबाजी हमेशा करते हैं, उस पर कोई यकीन ना करे। हमारे साथ हजारों लोग हैं, इज्जत उतारते हैं भाजपा वाले, कोई सभा कार्यकर्ता काम नहीं होने देते हैं और काम में बाधा डालते हैं। अरे गांव की जनता सपा को जिताने का काम करेगी, हमारे किसान भाई जिताने का काम करेंगे। श्री अखिलेश यादव जी का चेहरा पहले से चमका हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। 5 साल में जो उन्होंने काम किया है वो सबको याद है। जाइए आप अयोध्या में, बेरोजगारी से लोग त्रस्त है, परेशान है। भैया जी हमेशा हमसे मिलते हैं, हमारी जो होती मदद करते रहते हैं। आज हम लोहिया पद पे हैं और आज छोटे लोहिया यानी जनेश्वर मिश्रा का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव जो हैं वो इस लोहिया पद पर अपनी साइकिल लेकर निकल चुके हैं। 2022 का आगाज समाजवादी पार्टी आज कर चुकी है। राजधानी लखनऊ का ये जो लोहिया पद है, इस लोहिया पद पर समाजवादी पार्टी अपने विचारधारा को लेकर एक बार फिर से लोगों के मैदान में जा रही है। आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ये साइकिल रैली है और अखिलेश यादव इसकी शुरुआत राजधानी लखनऊ से किए हैं। आप देखिए हमारे साथ अखिलेश यादव की साइकिल रैली है और तमाम बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस साइकिल रैली में शामिल हुए हैं। आप पीछे तक जितना दूर तक देखेंगे उतने दूर तक सिर्फ समाजवादी पार्टी का झंडा, समाजवादी पार्टी की लाल टोपी वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़कों पे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और आजम खान की रिहाई से लेकर तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी आज साइकिल रैली निकाली है। खुद अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आज उसी तेवर में जैसे 2012 में 2017 में रोडों पर थे, मगर ये जो तेवर है साइकिल रैली का उनका 2012 को दर्शाता है जब वो नए मुख्यमंत्री बने थे। दोबारा होगा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उस वक्त वो चेहरा नहीं हुआ करते थे मुख्यमंत्री का 2012 में, मगर 2017 में चेहरा थे, अब 2022 में चेहरा है और इस वक्त आप देखिए एक बड़ा जनसैलाब युवाओं का उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपना युवाओं का दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है, अपना प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की है। और आज ये रैली है, रैली जनेश्वर मिश्रा पार्क में जाएगी, लोहिया पट पर मौजूद है, लोहिया पट होते हुए जनेश्वर मिश्रा पार्क जाएगी, वहाँ पे माल्यार्पण करेंगे अखिलेश यादव और उसके बाद कार्यक्रम का समापन करेंगे। इस वक्त मैं लोहिया पद पे हूँ और उस दस्तावे चौराहे पे हूँ जो अखिलेश यादव अपने काम का सबसे बड़ा काम बता रहे हैं कि दस्तावे उन्होंने मेरा सुरक्षा के लिए किया। आज उसी तमाम मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव अपनी साइकिल लेकर इस चौराहे पर Yeah.
बर्बाद कर दिया है और यह संकल्प जो है वो आज 5 अगस्त को राजधानी लखनऊ के साथ साथ पूरे देश में चले में आया है, लोगों के हाथ में आया है। आप देखिए मेरे आगे यहाँ में मौजूद है, यहाँ से आगे 3-4 किलोमीटर तक समाजवादी पार्टी के लिए बड़े पैमाने पर और पीछे भी वो स्थिति आज यह स्थिति है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा जैन सैलाब के साथ देश का we'll be right back.
पैमाने पर लोग यहाँ पर हैं। विपक्षी पार्टी यानी भाजपा अयोध्या में कार्यक्रम कर रही है। सपा यहाँ पे जो कार्यक्रम कर रही है वो कार्यक्रम महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जासूसी, किसान का मुद्दा, इसके साथ तमाम मुद्दों को लेकर आप देखिए हमारे सामने अखिलेश यादव हैं। और अखिलेश यादव अपने युवा कार्यकर्ताओं के बीच में, इसके साथ साथ यहाँ पे जो लोग हैं वो भी उनके साथ जुटने का काम कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और लगातार वो अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ अपनी तस्वीर खिंचा लें, अखिलेश यादव से मिल रहे हैं और डाल लें कि अखिलेश यादव किस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं। आप देखिए कितने बड़े पैमाने पर लगातार वो सेल्फी ले रहे हैं अखिलेश यादव के साथ। ये हुआ आम, यह आम हुआ जो अखिलेश यादव के साथ सेल्फी लेना चाह रहे हैं में बड़े पैमाने पर लोगों आम लोग जो हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। जहाँ कार्यकर्ता हजारों की संख्या में शामिल हैं वहीं आम जनता भी शामिल हो रही है और देखने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं कोई गाँव होता है अपने नेता का, एक ऐसे नेता का जो काम करता है और वो जब रैली निकालता है उसमें पता चल जाता है कि कितने लोग उसके साथ हैं और कितने लोग उसके विरोध में हैं। इसी कारण की वजह से आप देखिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो भीड़ है अखिलेश यादव साहब को दिखाई दे रही है। इससे है कि अखिलेश यादव को लेकर लोगों के अंदर एक विचार है कि यह व्यक्ति जो है वह बड़ा नेता है और यह उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा सोचता है, क्योंकि अगर इस इतने बड़े पैमाने पर रैलियां निकलती हैं और इस समय निकलती हैं तो कहीं ना कहीं और पूरे उत्तर प्रदेश निकलती हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज जाता है। फिलहाल अखिलेश और राजनीतिक विशेषज्ञों को यही कहते हैं कि अखिलेश यादव इस तरह की तमाम रैलियाँ और भी निकालनी चाहिए जिससे लोगों के बीच में मैसेज जाए और लोग उनके जो बात है उनकी बातों को सुन सकें और इस तरह की रैली और रैलियों से लोगों के मुद्दों को लगता है कि लोगों का मुद्दा जिसे पार्टी उठा रही है। अगर इस तरीके से अखिलेश यादव लगातार रैली करते रहें और लगातार लोगों के बीच में रोड पर उतरते रहें तो माहौल बदलने में समय नहीं लगेगा, माहौल बदल जाएगा। मगर समाजवादी पार्टी का दावा है कि अभी भी माहौल बदल चुका है। मगर आपको ये भी बता दें कि ये जो रिवर फ्रंट है आप देखिए तो वही रिवर फ्रंट है जिसके बारे में अखिलेश यादव हमेशा बात किया करते हैं, हमेशा बताते हैं कि ये रिवर फ्रंट उन्होंने बनवाया और तमाम लोगों को इस बात पर वो गर्व महसूस करवाते हैं कि आप जब विदेशों में जाते हैं तो इसी तरीके का आपको नज़ारा मिलता है और सपा सरकार ने यह नज़ारा उत्तर प्रदेश की राजधानी में देने का काम किया, लोगों को घूमने फिरने का जगह लेने का काम किया है और एक रिवर फ्रंट बनाकर नदियों को भी संवारने का काम किया। मगर क्या इस रिवर फ्रंट पर 2017 में वोट नहीं मिल पाया तो क्या 2022 में वोट मिल पाएगा, यह तमाम चीज़ देखने वाली बात होगी। अब इसी रिवर फ्रंट भैया इस रिवर फ्रंट के ऊपर से और वो देख सकते हैं आप अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ और बड़े पैमाने पर पीछे तक जितना दूर तक आप देखेंगे उतने दूर तक सिर्फ समाजवादी पार्टी की के कार्यकर्ता पोस्टर और वह लाल टोपी जो समाजवादियों की संघर्ष की निशानी कही जाती है वह दिखाई दे रही है। तो यह है समाजवादी पार्टी की सहज रैली और 10 सेंटर पहुँच रहे हैं। ये वही जयप्रकाश नारायण कन्वेंशन सेंटर है जिसको लेकर काफ़ी विवाद रहा है, जांच चल रही है। योगी सरकार ने कहा कि इस पर तमाम भ्रष्टाचार है, जांच अभी भी जारी है मगर कोई ठोस नतीजा निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।
अभी अभी खबर ये भी आई थी कि इसमें बड़े पैमाने पर चोरी हुई, मगर यह इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज उसी तरीके से लटका पड़ा। अब उसी रोड से गुजरते हुए अखिलेश यादव थोड़ा हट जाओ, चले नहीं रोक लगो यार, भाई आओ भाई देंगे अखिलेश यादव की सरकार ये दिखा दो मुझे लखनऊ मेट्रो का दफ्तर या उसके आगे लोहिया पार्क, यह तमाम वो काम है जो अखिलेश यादव की सरकार ने किए। आज इसी तमाम रास्तों से अखिलेश यादव की रैली है जो गुजर रही है, मगर यह जो काम है तो वो नहीं मिलता है जिसको समझवादी पार्टी ने अभी अच्छा किया, मगर क्या 2022 में इस बाकी सरकारों के काम, खासकर योगी सरकार के काम अगर आप राजधानी लखनऊ में ढूंढें अलग अलग सड़कों पे तो इतने बड़े पैमाने पे बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे, और दिखाई भी दिए हैं तो बड़े दूर दूर और छोटे छोटे, ये अंतर है राजधानी लखनऊ में। अगर तीनों सरकार का हम कंपेयर करें बसपा सपा और भाजपा का, तो अखिलेश यादव का काम यहाँ सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, उसके नंबर दूसरे नंबर पर मायावती का काम, मगर मायावती अखिलेश यादव से पहले आई हो, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि लखनऊ को संवारने की जो शुरुआत हुई वो मायावती के समय में हुई, अखिलेश यादव ने उसमें आकर पूरी तरीके से चार चांद लगा दिया। मगर योगी सरकार की अगर आप बात करें तो योगी सरकार के कार्यकाल में पिछले 4.5 सालों में ऐसा कोई बड़ा काम राजधानी लखनऊ में नहीं दिखाई दिया जिसको भाजपा सरकार ये कह सके कि ये बहुत बड़ा काम है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वह बता दें। तो इस तरह का ये रहा कार्यक्रम पूरा फिलहाल। तो आप ये देखिए, अब यहाँ से ये जो साइकिल रैली है अखिलेश यादव की, वो आप जनेश्वर मिश्रा पार्क की तरफ आगे बढ़ रही है। तो जनेश्वर मिश्रा पार्क हम लोग पहुँचते हैं और फिर आपको और भी तमाम बातें बताएंगे साइकिल रैली से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि जो साइकिल रैली है वो पूरे प्रदेश में चल रही है, 75 जनपदों में अलग अलग नेता समाजवादी पार्टी के पहुँचे हुए हैं और वो रैली में भाग लिए हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव राजधानी लखनऊ में है और वह इस रैली को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की पूरी स्थिति राजधानी लखनऊ में। आगे पहुँचते हैं जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास, तो वहाँ भी आपको हम बताएंगे कि क्या बदलाव रहा, कितने लोग जुटे हैं। फिलहाल आगे से पीछे तक अगर हम देखें तो सिर्फ लाल टोपी और समाजवादी पार्टी का बैनर जो है, जो झंडा है, जो समाजवादी पार्टी कहती है कि यह उनके संघर्ष करने की निशानी है, जो बताती है कि हम संघर्ष करने वाले हैं,
दिखाई दे रही है। जनेश्वर मिश्रा पार्क पहुंच गए हैं। जनेश्वर मिश्रा पार्क का गेट नंबर 2 है, जहां से अखिलेश यादव अंदर जाएंगे और वह जनेश्वर मिश्रा की जो प्रतिमा है उसको माला अर्पण करेंगे। साथ में एक संदेश देने की आज कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से थी कि वो जमीनी मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही है, उस जनता के साथ संघर्ष कर रही है जो जनता लगातार परेशान है महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, और उन तमाम वादों को जो वादा पूरा नहीं किया गया जो 2017 में संकल्प पत्र में यानी बीजेपी के संकल्प पत्र में था, उन तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जनता को कि आम जनता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और लड़ाई लड़ रही है। मगर देखना होगा कि ये जो मैसेज है समाजवादी पार्टी का वह कितना आम जनता में पहुंच पाता है और आम जनता इस मैसेज को किस तरीके से कन्वे करती है, किस तरीके से समझती है और किस तरीके से अखिलेश यादव को अपना वोट देती है। क्योंकि 2022 के चुनाव की अगर हम बात करें तो महज कुछ महीने बचे हैं और कुछ महीने में बाद ही चुनाव है। वहीं अगर दूसरी तरफ इस वक्त सारे पोस्टर बैनर यहां पर छपे हुए हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से अगर बात करें तो हर पोस्टर पे सबसे बड़ी तस्वीर किसी की है तो अखिलेश यादव की है। अगर हम बात करें 2012 की तो 2012 में मुलायम सिंह यादव की बड़ी तस्वीर हुआ करती थी, तो मुख्यमंत्री के चेहरे भी थे मगर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2017 में भी अखिलेश यादव का चेहरा इसी तरीके से था मगर उनके अगल बगल तमाम और भी चेहरे हुआ करते थे, चाहे वह आजम खान की बात करें, शिवपाल सिंह यादव की बात करें, मुलायम सिंह यादव की बात करें, मगर आज की अगर हम पोस्टर बैनर यानी 2021 और 2022 के पोस्टर बैनरों की बात करें तो आप इस पोस्टर बैनर में देख सकते हैं किसी भी पोस्टर बैनर में सबसे बड़ी तस्वीर जो है अखिलेश यादव इस वक्त समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं और यही कारण है कि अखिलेश यादव के चेहरे पर अब इस वक्त पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी निर्भर है, समाजवादी पार्टी चुनाव में जा रही है। क्यों तो अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी ये भी कहती है कि विकास पुरुष हैं, उन्होंने काम भी काफ़ी किया है। अगर हम जनेश्वर मिश्रा पार्क है जो अखिलेश यादव ने रिकॉर्ड समय में बनवाया था, तो इस तरीके के तमाम काम अखिलेश यादव के आज भी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में दिखाई देते हैं और इसी दम पर समाजवादी पार्टी अपना जो चुनावी आगाज है वो कर रही है। तो आप देखिए ये बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं समाजवादी पार्टी दफ्तर और हम भी चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं किस तरीके से अखिलेश यादव हमारे आलोप करेंगे और किस तरीके से अपनी बात रखेंगे। आप देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव पहुँच चुके हैं और यहाँ से सामने जनेश्वर मिश्रा की आप प्रतिमा दिखाई दे रही होगी, उस प्रतिमा तक अखिलेश यादव जाएंगे साइकिल चलाते हुए। आप देखिए अखिलेश यादव यहाँ पर आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जो साइकिल चलाई है वो लगभग 7 किलोमीटर के आसपास साइकिल चला कर अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये आप जो सामने देख रहे हैं वह ये जनेश्वर मिश्रा की वह प्रतिमा है जहाँ पर अखिलेश यादव पहुँच रहे हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा पार्क है जो अखिलेश सरकार में ही बनाया गया था, अखिलेश यादव के द्वारा बनाया गया था और इसकी अगर हम बात करें, इसकी खूबसूरती की बात करें तो यह लगभग 300 ज़्यादा एकड़ में फैला हुआ है, लगभग जो सूची बताई जाती है और काफ़ी बड़ा पार्क है। फिलहाल अगर जनेश्वर मिश्रा की बात करें तो जनेश्वर मिश्रा को छोटे लोहिया कहा जाता है, छोटे लोहिया के नाम से वो जाने जाते हैं। फिलहाल अखिलेश यादव पहुँच चुके हैं मंच पे जहाँ से वो माल्यार्पण करेंगे और अभी समाजवादी पार्टी की जो साइकिल रैली है, साइकिल यात्रा है, वह पूरी हो चुकी है। लगभग 7 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी यात्रा पूरी की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पर माल्यार्पण कर चुके हैं और ये जो माल्यार्पण है वह जनेश्वर मिश्रा पार्क में हुआ जैसे कि आपको पता है। और आप ये देखिए अगर आपको हम दिखाएं इस पार्क की स्थिति तो इस पार्क में समाजवादी पार्टी के नेता और उनके लोग बड़े पैमाने पर जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव यहाँ से अब माल्यार्पण करके निकल रहे हैं पार्टी कार्यालय के लिए। श्री अखिलेश यादव जी का ये शंखनाद है कि जनेश्वर जी का जो जन्मदिन है वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक बड़ा अवसर होगा। भाजपा की जो सरकार है 4.5 साल से ज़्यादा हो गया, उत्तर प्रदेश के संसाधन और राजनीतिक जो
समय था विकास के लिए, जनता के साथ न्याय करने के लिए, उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। इसलिए उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाता सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, उसका इस इच्छा का सम्मान करते हुए श्री अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व है वो उत्तर प्रदेश को एक ऐसा राज्य बनाने में सक्षम और योग्यता वाला उनका व्यक्तित्व है जो सबके साथ न्याय होगा, सबका विकास होगा, झूठ का नाश होगा, और जो अवरोध पैदा हुआ है विकास के रास्ते में भाजपा सरकार के जरिए वो समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कानून का राज अब नहीं है, जनता तबाह है, लोगों का जीवन मुश्किल में है, और लगातार जनता के जो अधिकार हैं वो कुचले जा रहे हैं, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। इसलिए भाजपा का जो नेतृत्व है, चाहे सरकार में हो या बाहर हो, उनको 1975 का याद रखना चाहिए जब आपातकाल इस देश में था। सर, बीजेपी कह रही है कि जात पात वाली राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी कभी जाति की राजनीति नहीं करती है। भाजपा का जो कहना है वो असत बयानबाजी हमेशा करते हैं, उस पर कोई यकीन ना करे, जनता बिल्कुल यकीन नहीं करती है। मैं मीडिया से भी निवेदन करता हूँ कि वो भी इस पर विश्वास न करें। भाजपा का यही चाल चलन है और यही चरित्र है जनता को गुमराह करने का, लेकिन अब उनके हाथ से ये अवसर निकल गया, उन्हें मौका मिला था, उन्होंने वो अवसर खो दिया और जनता का बहुत अपमान किया, किसानों के साथ अन्याय हुआ। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि अखिलेश जी चेहरा चमकाने के लिए निकल रहे हैं, बस चेहरा तो सब उनको जानते हैं, जनता के लिए नहीं निकल रहे, ऐसा बीजेपी वाले कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी का चेहरा पहले से चमका हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है, और उत्तर प्रदेश की जनता उनका नेतृत्व मानती है, स्वीकार करती है, और 5 साल में जो उन्होंने काम किया है वो सबको याद है। क्या नाम है आपका? विनय रावत। ये जो आप बना रहे हो अपनी साइकिल का, इसमें क्या क्या आप मेन रखे हो, कैसे रखे हो, क्या सोच के रखे हो? अखिलेश यादव जी के सारे किए हुए काम है, इनकी योजनाओं से लाखों लोगों को रोजगार मिला है, लाखों लोगों को काम मिला है, इसी वजह से हम ये सब लेकर साथ में चल रहे हैं। कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ हजारों लोग हैं, लोहिया वाहिनी टीम है, हमारे साथ हजारों लोग आए हुए हैं साइकिल से। पढ़े लिखे इंजीनियर जरूर है, इसमें लिखना चाहिए 5 इंजन की सरकार है। 5 इंजन की? हाँ, ये 5 इंजन की सरकार। हाँ, 5 इंजन की सरकार है। ये जनक मैटर, इसको तुरंत बदल दिया जाए। 5 इंजन की सरकार है, 25 मुख्यमंत्री हैं, सलाहकारों की उस पार्टी में कमी नहीं रह गई है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद ही पागल हो, बाबा और सांड दोनों खराब होते हैं, रमता जोगी बहता पानी, दगाबाज की यही निशानी, जूता चप्पल और बेमानी, यहाँ काम बोलता है। माननीय श्रीमती डिंपल यादव जी का काम बोलता है, अखिलेश यादव जी बहुत पीछे छूट गए हैं। हमारी माननीय श्रीमती पूर्व सांसद डिंपल यादव जी का कार्यक्रम इसमें कन्नौज में चालू हो गया है और शुरू हो गया है, और हमारे एक्स मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी घर से नहीं निकले हैं। समय का ध्यान रखें, 9 बज गया है, क्या बज गया? खड़ी देखो, खड़ी देखो। अरे भाभी, कार्यक्रम चालू हो गया कन्नौज, कपड़े का जब जितने उतारते हैं सबकी तो उतार ले के। बाबा, इज्जत कौन उतार देता है? इज्जत उतारते हैं भाजपा वाले, कोई सभा कार्यकर्ता काम नहीं होने देते हैं और काम में बाधा डालते हैं। राजाराम बिहार में यही कह रहे हैं, मैं बहुत अमीर घराने खो गया हूँ, तो हमने कहा हम गरीब है, तो इज्जत उतार रहे हैं और क्या सकते। अच्छा, क्यों कह रहे हैं राम राज आ गया है? कुछ नहीं आया है, सिक्योरिटी वाले तो सुरक्षित नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी वाले तो सुरक्षित नहीं है, तुम बात क्या करोगे? बहुत दिक्कत है, सुरक्षित रहे हैं सिक्योरिटी वाले, बात क्या कर रहे हो? हाँ, क्या? आप क्या नाम है आपका? पंडित समर जैन। कहाँ के रहने वाले हो? हम अयोध्या के। अयोध्या के? हाँ। यहाँ पे इसी से आए? अयोध्या से हम इसी से यहाँ आए हुए। कितने किलोमीटर की दूरी तय की है? 130 किलोमीटर। 130 किलोमीटर? 130 किलोमीटर। मैं सुबह 5 बजे निकला हूँ और 9 बजे लखनऊ आ गया हूँ। 9 बजे लखनऊ? हाँ। तो आप देखिए, इस गाड़ी से यह व्यक्ति समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अयोध्या से निकला है और यहाँ पहुँच गया, लेकिन अयोध्या तो आज योगी जी जा रहे हैं। देखिए, अयोध्या जो है वो भाजपा सरकार हो चाहे योगी जी हो, उनसे अब त्रस्त हो चुकी है। केवल 2022 के समय का इंतजार कर रही है जवाब देने के लिए। आज अयोध्या की जनता भुखमरी की कगार पे पहुंची है,
और अयोध्या का विकास रोज आने जाने से नहीं होता है, अयोध्या का विकास काम करने से होता है। जाइए आप अयोध्या की सड़कें देखिए, जाइए आप अयोध्या में बेरोजगारी से लोग त्रस्त है, परेशान है, उनकी आवाज को देखिए। हमें यही बताओ आप कितने साल से इस गाड़ी को आप चला रहे हैं? लगभग हम समाजवादी पार्टी में 15 साल से है, ये गाड़ी हम 10 साल से चला रहे हैं। 10 साल से इस गाड़ी में क्या खासियत है? इस गाड़ी से हम बराबर बढ़ो मार समाजवादी के प्रचारक हैं और प्रचार करते रहते हैं। अच्छा, पूरे प्रदेश के हर जिले में जाते हैं, प्रदेश के हर जिले में, हर जिले में जाते हैं, हर जिले में एक हफ्ता पूरा प्रचार प्रसार करते हैं। अभी तक कौन कौन से जिले में गए? सभी जिले में गए हुआ? आप कोई जिला बता ही नहीं है, इधर इलाहाबाद, बनारस ले लो, गोरखपुर ले लो, कानपुर, उन्नाव, सीतापुर, बलिया, सब ऑल अराउंड। इसी गाड़ी से? इसी गाड़ी से। गाड़ी एवरेज क्या देती है? 30 का एवरेज देती है। पेट्रोल से चलती है? हाँ, पेट्रोल से। अच्छा, कौन सी कंपनी की गाड़ी है? टीवीएस एक्सेल की गाड़ी से हमने मोडिफाई कराई। अच्छा, कभी अखिलेश जी को गाड़ी दिखाई है आपने? नहीं भैया जी, हमेशा हमसे मिलते हैं, हमारी जो होती मदद करते रहते हैं। और अभी तो हमने समाजवादी सरसों का तेल जो है अयोध्या में गरीबों में बांटने का काम किया था, ये खबर आपने देखी हो। तो कितना तेल बांटे? ये लगभग हमने 500 महिलाओं को तेल देने का काम किया है। क्योंकि आज महंगाई की वजह से गरीबों के घर दाल और सब्जियां नहीं खोकी जा रही है। जाइए योगी बाबा किसी गाँव में चले जाए अयोध्या में, केवल अयोध्या जाने आने से नहीं होता है। अच्छा, ये बताइए इस गाड़ी में आप कुछ बजाते वगैरह में हैं? हाँ, समाजवादी पार्टी का हमेशा प्रचार गाना चलता रहे। कैसे चलता? चलाइए से गाने हैं? कितने गाने हैं? कम से कम 20 गाने हैं। इसके अलावा कौन सा दूसरा गाना? कौन? कोई गाना नहीं, केवल पार्टी का 20 गाना हमने भराया। पार्टी का 20 गाना है? हाँ। दूसरा पार्टी का कौन सा गाना है? वो बदलना पड़ेगा, टाइम लगे। ऐसा चलाइए इसको, फिर से देखें। लेकिन बीजेपी तो कह रही है अखिलेश जी की सरकार वो नहीं आने देगी, राम राज्य लाएगी। देखिए, वो राम राज्य नहीं ला रहे हैं। वो महंगाई और हर चीज के मुद्दों से पलट गए, विकास तो कर नहीं रहे हैं। गांव की जनता भूखी मर रही है। अरे, गांव की जनता सपा को जिताने का काम करेगी, हमारे किसान भाई जिताने का काम करेंगे, हमारे गांव की जनता जिताने का काम करेगी। विकास पे वोट मिलता है, हवा हवाई और रोज छछंद करने से वोट नहीं मिलता है। ये 19 विक्रमादित्य मार्ग है जो कई बार चुनाव को देखा है। इसी पार्टी दफ्तर से मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति शुरू की और 2022 में अखिलेश यादव एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फिलहाल बात करें, यहाँ पर देखिए तमाम पोस्टर लगे हुए हैं। ये जो पोस्टर हैं वो कुछ अलग बताते हैं।
जब 2012 में आप पोस्टर लगा करते थे उसमें मुलायम सिंह यादव की तस्वीर हुआ करती थी बड़ी बड़ी, इसके अलावा तमाम और भी बड़े नेताओं की होती थी, अखिलेश यादव की कई छोटी तस्वीर हुआ करती थी। मगर जब 2017 का चुनाव हुआ तो उस चुनाव में भी अखिलेश यादव की तस्वीर बड़ी थी मगर उनके बराबर में मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव और आजम खान तमाम बड़े नेताओं की तस्वीर थी। अब जब चुनाव होने जा रहा है 2022 का, 2021 में आज हम हैं और 21 और 22 में चुनाव है और 21 से तैयारी हो रही है, 6 महीने बचे हैं चुनाव के, तो आप देखिए पोस्टर बदल चुके हैं। अब चेहरा उस नेता का है जो पार्टी का अध्यक्ष है, नया चेहरा है और काम कर रहा है। अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव को इस तरीके से देखा जाता है कि वह काम पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, जो उनके वादे होते हैं उस वादों को पूरा करने में ज़्यादा फोकस करते हैं। अभी रैली जो अखिलेश यादव की थी उस साइकिल रैली में भी अखिलेश यादव जहाँ से भी गुजरे हैं, अगर हम विक्रमादित्य मार्ग की बात कर लें, 5 कालीदास मार्ग चौराहे की बात कर लें, उसके बाद उस लोहिया पथ की बात कर लें, या 1090 चौराहे की बात कर लें, या प्रकाश नारायण कन्वेंशन सेंटर की बात कर लें, मेट्रो ऑफिस की बात कर लें, या जनेश्वर मिश्रा पार्क की बात कर लें, ये तमाम वह काम है जो अखिलेश यादव ने 5 साल के अंदर कराए थे और वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के काम माने जाते हैं। यही मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त पार्टी सत्ता पर नहीं है, अगर देखा जाए 2012 से अब तक तो इन लगभग लगभग 9-10 सालों में तकलीफ है समाजवादी पार्टी को, बदल जहाँ पहले कहा जाता था बाहुबलियों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, अब कहीं ना कहीं अखिलेश ने 10 साल में यह तो साबित कर दिया है कि यह बाहुबलियों गुंडों की पार्टी नहीं है, वह जनता की पार्टी है और उस जनता की पार्टी है जो काम करना चाहती है। और शायद इसी मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने साइकिल रैली भी निकाली और उस रैली में जो उनका मुद्दा था वह मुद्दा यह था कि जो दावा संकल्प पत्र में किया गया था वह पूरा क्यों नहीं हुआ, भ्रष्टाचार चाहे बेरोजगारी चाहे महंगाई वह कम क्यों नहीं हुई और दूर क्यों नहीं हुई। आप देख रहे थे न्यूज़ नशा का यह स्पेशल शो और इस शो में हम यही बात कर रहे थे कि आखिर यह समाजवादी पार्टी किस तरीके से बदलाव आया समाजवादी पार्टी में और 10 साल में क्या बदला। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।